1989. स्टॉप। ये कुछ खुश नहीं लग रहा है। हेलो हैंक, तुम्हें इस वक्त मॉस्को में होना चाहिए। मैं जरा घूम कर आया तुम्हारी सुरक्षा लैब से होकर। कहीं ये वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? अगर तुम इसे मेरी बरसों की मेहनत की पति नकल समझती हो तो है, ये इन लोगों के लिए भी टेढ़ी खीर है। तुम्हें तो रशिया जाने का ऑर्डर मिला था। मैं तुम्हें याद दिला दूं डॉक्टर पिम कि तुम एक सिपाही हो और मैं वैज्ञानिक। तो उसी की तरह पेश आओ। पिम पार्टिकल अब तक का सबसे क्रांतिकारी विज्ञान है, इसके अच्छे इस्तेमाल में हमारी मदद करो। तो तुमने मुझे एक चपरासी बनाकर छोड़ा, अब मेरी रिसर्च को चुराने की कोशिश कर रहे हो। जेनेट को बचाने में तुमने इतना जोश नहीं दिखाया था डॉक्टर पिम। ये क्या कर रहे हो? दोबारा मेरी बीवी का नाम लिया तो मैं दिखा दूंगा कि जोश किसे कहते हैं। मैं क्या करूं, गलती तुम्हारी है। मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं इसी वक्त। हम इसे नामंजूर करते हैं इसी वक्त। हैंक, हमें तुम्हारी जरूरत है। पिम पार्टिकल एक करिश्मा है, प्लीज अपने अतीत को भविष्य के आड़े मत आने दो। जब तक मैं जिंदा हूं ये फॉर्मूला किसी के भी हाथ नहीं लगने दूंगा। हमें इसे यहां से जाने नहीं देना चाहिए। तुम पहले उन्हें धोखा दे चुके हो, आप क्या जंग लड़ोगे? हाँ, हमारे साइंटिस्ट उनकी खोज के करीब तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी जो मुक्का पड़ा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। क्या तुम्हें अब भी पूरी फिल्म देखने का शौक है? मैं हैंक पिम को एक अरसे से जानता हूँ, उससे कोई खतरा नहीं है जब तक हम उसे ना बना दें। शुक्रिया, नो थैंक्स। क्या समझा? और तेरी गर्लफ्रेंड कैसी? भाग गई दूसरे के साथ। ओ भाई, माँ भी मर गई, बाप को घर छोड़ के निकल लिया, पर गाड़ी मुझे मिल गई। पेड़े बांटो। पेड़े क्या, बर्फी दो यार। छत दिलाने का भी शुक्रिया, मुझे घर चाहिए था। यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरी प्रॉब्लम मेरी मुश्किल, चुटकियों में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो है। यार तुझे कुछ बंदों से मिलवाना है, अपने काम में बाप आदमी है। बोलो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या बात कर रहे? सच कह रहा हूँ, मुझे वापस अंदर नहीं जाना, मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है। ओ यार, सरकारी मेहमान को नौकरी कौन देगा? देख यार, मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, समझ गया, मिल जाएगी अच्छी नौकरी। वेलकम टू बास्किन रॉबिन्स, हमारा मैंगो फ्रूट ब्लास्ट ट्राई करना चाहेंगे? नहीं थैंक्स, मुझे चाहिए, मुझे एक बर्गर चाहिए। ओ, हम लोग बर्गर नहीं रखते। समोसे, गर्म गर्म समोसे चटनी के साथ, लहसुन की चटनी, सिर्फ आइसक्रीम है बास्किन रॉबिन्स। तो ऐसा कुछ दे दो जो गर्म और ताजा हो। यार स्कॉट, मेरी कैबिन में आना इसी वक्त। जरूर अभी आया डेल। रवि, इस बेवकूफ को आइसक्रीम उबाल के दे दो प्लीज। हाय डेल। आओ आओ, तशरीफ रखो बरखुरदार। 3 साल जेल में बिताया तो आपको पता लग गया बास्किन रॉबिन्स के हाथ कानून से भी लंबे हैं। देखिए, आई एम सॉरी, मगर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। मुझे ताला तोड़ने में माहिर हो,
बड़ा हाथ मारते हो। देखिए मैं दोबारा सॉरी कहता हूँ, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था, मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। मैं सलाम है तुम्हें, वाकई तुम्हारा हुनर काबिले तारीफ है सच में। हाँ हाँ, थैंक यू। तुमने अच्छा सबक सिखाया उन करोड़पतियों को। जब भी इस बारे में पढ़ता हूँ मेरी 40 की छाती 56 की हो जाती है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, मैं इसका बॉस हूँ। वैसे मैं इस नौकरी से बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वैसे तुम्हें निकाल दिया जाता है, यानी बैकअप। एक मिनट, क्या बैकअप? हाँ देखिए मैंने कोई खून खराबा नहीं किया, मेरा मतलब मैं अच्छा बंदा हूँ। नहीं, बिना खून खराबा किए तुमने आराम से चोरी कर ली। देखो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे बीच रहेगी। अगर जाते जाते हाथ की सफाई से तुम वो मैंगो फ्रूट ब्लास्ट उठाना चाहो तो उठा लेना, किसी को नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय एक खास मेहमान से करवाना चाहूंगा, इस कंपनी के संस्थापक और मेरे सलाहकार डॉक्टर हैंक पिम। जब मैंने डॉक्टर पिम के बाद इस कंपनी का कारोबार संभाला तब फौरन एक पार्टिकल पर रिसर्च शुरू कर दी जो मजबूती और घनत्वता बढ़ाते हुए एटम्स के बीच की दूरी को काफी हद तक बदल सके। अब मैं ये तो नहीं जानता कि यह क्रांतिकारी योजना हैंक के रिसर्च की धूल और मिट्टी के नीचे क्यों दबी रही, पर जरा सोचिए एक कीड़े के साइज का छोटा सा सिपाही।
सबसे खुफिया हथियार। एंट मैन, आपको यही बुलाते थे है ना एक? कितना अजीब है, अफवाहें चौंकाने वाली कहानी, सभी को डराने के लिए मनगढ़ंत किस्से हैंक। क्या आप मेरे मेहमानों को बताएंगे जो आप मेरे पूछने पर हर बार मुझसे कहा करते थे? क्या वाकई एंटमैन हुआ करता था? वो तो सिर्फ एक दास्तान थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसी करामाती चीज कभी सच कैसे हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि मुझे एंटमैन की कहानी से प्रेरणा मिली थी, और मूलभूत चीजों को छोटा करने की कामयाबी के बाद मैंने सोचा क्या किसी इंसान को छोटा बनाना मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। खैर, अब यह सिर्फ कहानी नहीं रही है। माननीय अतिथिगण, मैं फक्र के साथ पेश करता हूं इस लड़ाई का अंत, येलो जैकेट। येलो जैकेट जंग का एक बेजोड़ हथियार जो पहनने वाले के साइज को लड़ाई की जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार लगातार खोखले हो चुके हैं। अब साधारण युग में लौटने का वक्त आ चुका है, ऐसे युग में जहां एक बार फिर आजादी की शक्तियां खुले तौर पर उनके हितों की रक्षा कर सकती हैं। शांति बहाल करने का एक कारगर वाहन येलो जैकेट सभी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर किसी भी संघर्ष का मुकाबला कर सकता है बिना दिखाई दिए। हिफाजत के तरीकों और फौजी हमलों दोनों में कुशल, इसके प्रयोगों में शामिल है निगरानी, औद्योगिक तोड़फोड़ और शांति की राह में आए रोड़ों को हटाना। येलो जैकेट सुरक्षात्मक कार्य करने वालों को बेशुमार मौके देता है, और जल्दी किसी रोज येलो जैकेट्स की एक फौज ऐसा माहौल पैदा करेगी जो दुनिया भर में ठहराव और अमन ले आएगी। येलो जैकेट, तो ये एक सूट है। बेवकूफ जैसी बातें मत करो, ये सूट नहीं है, ये तो एक हथियार है। क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत पसंद आया, मगर मुझे फिक्र हो रही है। सोचो अगर ये टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन के हाथ तक गई तो? हमें इस बारे में और बात करनी चाहिए, तुम्हारी राय मेरे लिए मायने रखती है। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रिया। होप आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। शुक्रिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं डैरन। इस राज को राज रखने की भी एक वजह थी। तो आप यह मानते हैं हम इसे साथ मिलकर कर सकते थे, लेकिन आपने ये मौका कमा दिया, इसीलिए आप अतीत है और मैं भविष्य। होश में आओ डैरन। डॉक्टर डैरन, सबसे पहले आप ये मुझे भेजेंगे, मैं कीमत का 20% आपको 2 हफ्तों में कैश पहुंचा दूंगा। डील। हमें अपनी चाल चलनी होगी हैंक। वो कहां तक पहुंचा? वो अपनी जिंदा चीज को छूटा नहीं कर सकता। बस सूट मुझे दे दीजिए और हमेशा के लिए एक किस्सा खत्म कर दीजिए। नहीं, डैरन को मुझ पर पूरा भरोसा है। इसमें खतरा है। अब कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एक रास्ता है हमारे पास। मुझे एक बंदा मिल गया है। कौन? डैडी। पीनट। ओह, हैप्पी बर्थडे। I'm sorry, मैं लेट हो गया, मुझे पता नहीं था पार्टी कितने बजे शुरू हो रही है। इनविटेशन पे तो लिखा था। बेटा ये बिन बुलाए मेहमान है, कहीं पर भी घुस जाते हैं। सर, मैं अपनी बेटी का बर्थडे तो नहीं मिस कर सकता था ना? मैं मम्मी को बता दूं कि आप आए। नहीं बेटा, मम्मी को तुम यहाँ क्यों आए हो? स्कॉट, अपनी बेटी के लिए तुमने क्या किया? मैं चाहूँ तो तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। चोर पुलिस बाद में खेले। मम्मी इतनी खुश हो गई कि मम्मी के गले में पानी अटक गया। ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं इसे खोल के देखूं? बिल्कुल मेरी जान, ये तुम्हारा ही है। तुम मेरे सबसे प्यारे फ्रेंड हो। ये क्या उठाना है? ये कितना खूबसूरत है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा डैडी। मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं? हाँ बेटा जाओ दिखाओ। तुम मेरे सबसे प्यारे फ्रेंड हो। देखो बच्ची के लिए पैसे आ जाएंगे, जेल काटने के बाद नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मेरे घर नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी का बर्थडे, मेरा भी कोई हक बनता है? तुम जानते हो ना तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्यों आए हो?
कैसी का बर्थडे है? हाँ जानती हूँ, पर तुम ऐसे ही नहीं आ सकते। वो मेरी बेटी है, तुम पिता की जिम्मेदारी क्या समझते हो? मैगी, तुम्हारा एक दोस्त होने के नाते और तुम्हारा पहला प्यार होने के नाते बता रहा हूँ, तुम्हारा मंगेतर एक नंबर का उल्लू है। ये कोई उल्लू नहीं है। ज़बान संभाल के बात कर। ओ, माफ करना, मैंने उल्लू नहीं लल्लू कहा था। सच में मैगी, इससे शादी कर रही हो? कम ऑन, तुम्हें कोई भी मिल सकता था, इस पुलिस वाले के अलावा और कोई नहीं मिला? कम से कम वो चोर तो नहीं है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। और देखो मैगी, मैं पैसे देना चाहता हूँ, मैंने काफी सोचा इस बारे में। मैं अपनी बच्ची से प्यार करता हूँ, मैंने काफी वक्त गवा दिया, मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? एक घर ले लो, नौकरी ढूंढो, बच्ची के लिए पैसे दो, उसके बाद मिलने मिलाने के बारे में सोचेंगे, वादा करती हूँ। तुम उसके हीरो हो स्कॉट, बस उसे वो बन के दिखाओ जो वो तुम्हें समझती है। तुम्हें येलो जैकेट को लेकर इतनी फिक्र है? हाँ, क्यों ना हो, अफसोस हम वो सब नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। ऐसा हो पाता तो अच्छा होता ना। पर कायदे कानून भी तो हैं। कौन से कानून? इंसानों के? कुदरत के कानून इंसानों के कानून से बढ़कर हैं, और मैं कुदरत के कानून से आगे बढ़ चुका हूं। डैरन, मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं। हमने अभी भी सारे मसले नहीं सुलझाए। गुड बाय फ्रैंक। मैंने इन दिनों एहसान के बारे में बहुत सोचा है, और आज सुबह ध्यान लगाते वक्त तो मेरे जहन में एक दिलचस्प ख्याल आया, और मुझे लगता है वो तुम पर भी लागू होता है। कैसा ख्याल? एहसान का मतलब माफी भी हो सकता है। मैंने बरसों तक हैंक पिम के प्रति अपने गुस्से का बोझ ढोया, अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी। कहीं भी काम कर सकता था, पर सलाहकार चुनने में मात खा गया। तुम्हारे पास तो चुनने का सवाल ही नहीं था, उन्हें तुम पर भरोसा ही नहीं था। अफसोस हमें उन्हें निकाल देना पड़ा, पर उन्होंने हमें मजबूर किया है ना। पर हमें नाराज नहीं, हमें एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक सलाहकार, एक पिता होने की नाकामयाबी ने हमें अपने पंख फैलाने का मौका दिया। आप कामयाब हैं डैरन, और जो भी होने वाला है आप उसके हकदार हैं। समझ में आया? यही तो कह रहा था।
टेलीफोन लाइन कट गई है, मोबाइल के सिग्नल जाम है, आज रात कोई मदद मांगने फोन नहीं करेगा। कॉल चेक कर। एकदम झकास। वही कोई गड़बड़ हो जाए तो हम तेरे पास ही है नियर। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमेशा दिल खुश कर देता है यार। यहाँ तो फिंगरप्रिंट से खुलने वाला ताला लगा है। क्या बोला? नीले कजिन ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। यानी हाथ में कुछ नहीं आएगा ठठन गोपाल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसी स्टील से बनी है जिससे टाइटैनिक बनाया गया था। ओ तेरी, मतलब हम भी डूबेंगे? वैसे एक बात तो है, ठंड में स्टील कमजोर पड़ जाता है। याद है ना बर्फ से टाइटैनिक का क्या हुआ था? हाँ, आखिर में हीरो का दी एंड होता है। सबको लुढ़का दिया। पर बुढ़ी दादी तो एंड तक दी रही ना हीरे का हार पहना ना पहनने दिया। नाइट्रोजन से जमा दिया है, बर्फ तो फैलती है पर स्टील नहीं। अब क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहा हूं। इंतजार। नाइस। ओए क्या है अंदर? पैसे गिरे? यहां पर तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा तूने? यहां एक सूट रखा हुआ है। क्या? एक पुराना सा मोटरसाइकिल का सूट। वहां ना पैसे है ना हीरे, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, एकदम खाली है। ओए माफ कर यारा, तेरे लिए चोरी बहुत जरूरी थी। शुरू करो 34C ऑर्गेनिक एटॉमिक रिडक्शन। डैरेन शायद हम ये से फिर से ऑर्गेनिक टिश्यूज को छोटा करना इस तकनीक की खास बात है। मैं खरीदारों के पास आधी कामयाबी के साथ नहीं जा सकता।
एक्सपेरिमेंट 34C का नतीजा नाकामयाब। प्लेटफॉर्म साफ करो और सब्जेक्ट 35C को लेकर आओ। पता नहीं ये बटन किस चीज का है। सर, I'm
सॉरी कि मैंने आपका सूट चुराया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपने उसे रखा क्यों है। मैगी तुम्हारे बारे में ठीक ही कहती है। आपको कैसे पता है कि समझा कि वो तुम्हें कैसी से दूर क्यों रखना चाहती है। जैसे ही मुसीबत आती है तुम फौरन जुर्म की तरफ भागते हो। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास एक और रास्ता है, या तो तुम अपनी भाभी की जिंदगी जेल में गुजारो या वापस अपनी कोठरी में जाकर मेरी आगे की हिदायत का इंतजार करो। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, तुमसे उम्मीद भी नहीं है, पर इस वक्त तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और सच कहूं तो ना ही मेरे पास है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें अपना वो सूट क्यों चुराने दिया था? क्या लोगों को ज्यादातर दूसरा मौका नहीं मिलता है, इसलिए अगली बार तुम्हें कोई मौका मिले तो मेरी सलाह है कि तुम उस पर अच्छे से गौर करना। तुम मेरे सबसे प्यारे फ्रेंड हो। किसी दूसरे खिलौने से खेलोगी? नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है। ठीक है, अब आंखें बंद करो और सो जाओ। मम्मी, ये डैडी बुरे आदमी है, सब लोग बुरे बोलते हैं डैडी को। नहीं, डैडी से कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, और कुछ नहीं। शाबाश बच्चे, तुमने आखिर मेरी बात तो मानी। दरवाजे के नीचे। अच्छा, अब कहाँ जाऊँ? वहीं रहो। सर, मैं क्या? वो आखिर गया कहाँ? पता नहीं, अचानक गायब हो गया। चारों तरफ सिक्योरिटी और बढ़ा दो फौरन। क्या करें, पीछे हटो, बच्चे की जान लोगे। स्कॉट, ये मेरे साथी है। सीटी पर कैमरा लगा हुआ है, क्यों नहीं लग सकता? गाड़ी कहाँ है? कोई गाड़ी नहीं, हमारे पास पंप है। लो आगे। उसके पैरों का सहारा लेकर उसकी पीठ पर चढ़ जाओ। क्या कह रहे हो आप, गिर के मर गए? चुपचाप सीटी पर चढ़ जाओ स्कॉट। मेरी गैर मौजूदगी में ये तुम पर नजर रखेंगी। डॉक्टर बिम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
बटन किसका है? अब ये कारनामा कैसे होगा? आराम से, ठीक है, अब धीरे धीरे कदम रखना होगा। तुम मुझे मत काटना, मैं तुम पे पैर नहीं रखूंगा, मंजूर? मेरे ख्याल से तुम मेरी बेटी होप से मिल चुके हो। जी मिला, खूबसूरत है। उससे लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है, हम ही खुद कर सकते हैं। मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें सूट चुराने दिया और होप ने तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, अगर ये नाकाम हो गया तो ये काम मैं खुद कर लूंगी। ये जरा परेशान है, इसकी वजह ये काम है, और चूंकि तुम मेरे सामने बैठे हो मैं मान लेता हूँ कि तुम अभी ये काम करना चाहते हो। कौन सा काम? चाय पियोगे स्कॉच? जरूर। तुम जिस तरह मेरे सिक्योरिटी सिस्टम से निकल आए, मैं तो तुम्हारा घायल हो गया। दादू को जमाना तो कमाल की चाल थी। आप मुझे देख रहे थे? स्कॉट, मैं तुम्हें एक अरसे से देख रहा हूँ, जब से तुमने विस्टा कंपनी में डकैती डाली। एक्सक्यूज मी, डकैती नहीं, चोरी की। विस्टा सिक्योरिटी सिस्टम एक बहुत ही नई तकनीक का था, उसे तोड़ पाना नामुमकिन होना चाहिए था, पर तुमने तोड़ दिया। चाय में चीनी लोगे? हाँ, क्यों नहीं। जाने तो शुक्र बढ़ गया है। आप कैसे करवाते हैं ये सब? चींटियां अपने वजन का 50 गुना भार उठा सकती हैं, वो घर बनाती हैं, खेती करती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं। समझ गया, पर आप इनसे ये सब कैसे करवाते हैं? बहुत ही आसान है, मैं इनके सूंघने की शक्ति को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बढ़ा देता हूँ। मैं इनसे बातें करता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी सुन सकता हूँ और सब कुछ देख सकता हूँ। इसके बावजूद भी कुछ नहीं जानते। डारन से मिलने में देर हो रही है। डॉक्टर बिम, तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है स्कॉट। सॉरी, मेरा एक सवाल है, आप कौन है, ये कौन थी, यहाँ क्या हो रहा है और क्या मैं वापस जेल जा सकता हूँ? आओ मेरे साथ। 40 साल पहले मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसने परमाणु संबंधी दूरी को बदल दिया। हाँ? मैंने एटम्स के बीच की दूरी को बदलना सीख लिया, उसी से इस सूट को ताकत मिलती है और उसी से ये चलता है। पर ये खतरनाक था, बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए मैंने इसे दुनिया से छिपाए रखा, और उस वक्त मैंने अपना मकसद बदल डाला और अपनी खुद की कंपनी शुरू की, पेमटेक। मैंने एक नौजवान को अपना शागिर्द बनाया जिसका नाम था डैरेन क्रॉस। डैरेन क्रॉस? वो तो बहुत बड़ा आदमी। वो बड़ा आदमी बनने से पहले मेरा असिस्टेंट हुआ करता था, मैंने उसमें कोई बात देखी, शायद वो बेटा जो मेरा कभी था ही नहीं। वो बाकाबिल था, हम करीब आते गए, उसे शक होने लगा कि मैं उसे सारी बातें नहीं बता रहा। उसने उस चीज के बारे में अफवाहें सुनी जिसे पिम पार्टिकल कहते हैं, और उसे मेरे फॉर्मूले की नकल करने की धुन सवार हो गई। पर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसने मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे मेरी ही कंपनी से हटा दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? बोर्ड की चेयरमैन मेरी बेटी होप है, फैसला उसी के वोट से हुआ। पर जब उसने देखा कि डैरेन मेरे फॉर्मूले की नकल करने के कितने करीब था, तो वो मेरे पास लौट आई। ये बदलाव काफी जल्दी हो जाता है, अगर एक खास हेलमेट की सुरक्षा ना हो तो दिमाग के काम करने पर बहुत असर पड़ता है। स्कॉट, मुझे नहीं लगता कि डैरेन को इसका एहसास है, और वैसे भी उसने इतना ठहराव ही कहा है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? स्कॉट, मेरे ख्याल से हर किसी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? हाँ लगता। अगर तुम मेरी मदद करो तो वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम फिर अपनी बेटी के साथ रह सकते हो। तो क्या तुम खुद को सुधारने के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, किसी के घर में घुसकर छोटी मोटी चीजें चुराने के मेरे दिन अब गए। बताइए मुझे क्या करना है? किसी के घर में घुसकर तुम्हें एक चीज चुरानी है। रात को खाना घर पे खाओगे ना? हाँ, मैं कुछ ले आऊंगा, मुझे एसएमएस कर देना। ठीक है, ओके। कोई खास खबर? पता नहीं, पर खबर है। आप मेरे डैडी को ढूंढ रहे हैं? हाँ बेटा, ढूंढ तो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे डैडी महफूज रहे। पहले पकड़िए तो सही।
पिछली बार नहीं जब इन लोगों ने पासा पलटने वाले हथियारों पर कब्जा करने की कोशिश की। ये है मिशेल कासम, शील्ड के भूतपूर्व रक्षा अध्यक्ष। आजकल सरकारें गिराने के धंधे में मसरूफ है। उसके हमेशा से मेरे आविष्कार पर नजर थी, और अब अगर हमने वहां घुसकर येलो जैकेट चुराकर सारा डाटा बर्बाद ना कर दिया तो डैरन पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचा देगा। आपको नहीं लगता आपको ये काम एवेंजर्स से करवा लेना चाहिए? मैंने अपनी आधी जिंदगी इस टेक्नोलॉजी को किसी स्टार के हाथों लगने से बचाने में गुजार दी, और अब मैं मर जाऊंगा पर अपने ही हाथों उन्हें ये कभी नहीं दूंगा। ये कोई क्यूट टेक्नोलॉजी नहीं है आयरन मैन के सूट जैसी, ये हकीकत की सूरत बदल सकती है। वैसे भी एवेंजर्स को आसमान से शहर फेंकने से फुर्सत कहां है? ठीक है, तो फिर आप चींटियों को क्यों नहीं भेजते? स्कॉट, वो चींटियां हैं। चींटियां जो बहुत कुछ कर सकती हैं, फिर भी उन्हें एक लीडर चाहिए, एक ऐसा काबिल लीडर जो हर नामुमकिन जगह में बड़ी आसानी से घुस सके। हैंक, मैं एक चोर हूँ, मेरा मतलब मैं एक अच्छा चोर हूँ, मगर ये तो पागल बन। ये ठीक कह रहा है हैंक, और आप ये जानते हैं, आपने फुटेज देखा है, आपको पता है डैरन क्या कर सकता है। जब हमारे पास महीनों थे तब भी मैं इसके खिलाफ थी, और अब तो कुछ ही दिन है, सूट मैं पहनूंगी। हरगिज नहीं, मैं वहाँ के हर एक कोने से वाकिफ हूँ, मैं डैरन की सोच समझती हूँ। इस मिशन को मुझसे बेहतर हम चाहते हैं कि तुम डैरन के करीब रहो, वरना ये मिशन कामयाब नहीं होगा। हमारे पास फालतू काम के लिए वक्त नहीं है, ये एक मुजरिम है, मैं आपकी बेटी हूँ। लायक नहीं हूं, इसे आप क्यों नहीं पहन लेते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहनना नहीं चाहता? मैंने इसे सालों पहना है और इसने मुझ पर बुरा असर किया है। अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो, अपनी मां के गुजरने से पहले अब मुझे ऐसी दिखती थी मानो मैं दुनिया का सबसे महान इंसान हूं, और अब जो मुझे देखती है तो मायूसी के साथ। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, पर तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें एक मौका मिल रहा है, अपनी बेटी की नजरों में महान बनने का मौका, वो हीरो बनने का जो तुम्हें पहले ही समझती है। ये हमारी दुनिया बचाने के बारे में नहीं है, उनकी दुनिया बचाने के बारे में है। क्या बढ़िया स्पीच थी स्कॉट। मैं चाहता हूं कि तुम एंटमैन बनो। सही मायनों में इंसान और सूट का रिश्ता आपसी फायदे का है। सूट में ताकत है और इंसान उस ताकत का फायदा उठाता है। तुम्हें हुनरमंद और फुर्तीला होना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा, और तुम्हें चुटकियों में छोटा और बड़ा बनना आना चाहिए, यानी तुम्हारा साइज हमेशा तुम्हारी जरूरत के हिसाब से होगा। अब चाबी के छेद से बाहर आओ, तेजी से बढ़ो और छोटे बनकर कूदो, फिर बड़े बनकर सामने आओ। टाइम वेस्ट। जब तुम छोटे होते हो तब ऊर्जा कंप्रेस्ड होती है। तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में 100 किलो के इंसान जितनी ताकत होती है। तुम बुलेट की तरह होते हो, मुक्का जोर से मारा तो जान ले लेता है, धीरे मारा तो प्यार की धपकी। तुम्हें बस मुक्का मारना आना चाहिए। मैं 3 साल जेल में था, मुक्का मारना आता है? दिखाओ मुझे, बहुत खराब। तुम सिखाओगे मुक्का मारना? चलो ऐसे मारते हैं मुक्का। इसे इसी मौके का इंतजार था। हाँ, लगे रहा। बुरे दिनों में अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। बुरे दिनों से इनका मतलब जब मेरी माँ गुजर गई थी। उनकी मौत हवाई दुर्घटना में हुई थी। आप मुझे उनकी मौत की वजह कभी नहीं बताते, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। हमें बहुत काम है, बहुत टाइम पास हो गया, अब कुछ काम कर ले। तुम हार पर मारने वाली थी ना? इस रेगुलेटर की वजह से टाइम ज्यादा। उस रेगुलेटर को मत छेड़ना, अगर वो रेगुलेटर खराब हो गया तो तुम सब एटॉमिक हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम क्वांटम डायरी में चले जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम एक ऐसी स्थिति में चले जाओगे जहां तुम्हारे हमेशा के लिए छोटा बन जाने के बाद समय और अंतराल मायने नहीं रखते। जो भी तुम जानते हो
और चाहते हो सबको खो दोगे। कूल, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तुमने सूट के बारे में तो सीख लिया, पर तुम्हें अभी अपने अहम साथियों के बारे में सीखना है। चींटियां, वफादार बहादुर और इस काम में तुम्हारी पार्टनर। चींटियां मेरी जान लेकर आएंगे। फ्यूचर्स लैब की अपनी खुद की अलग पावर सप्लाई है। वहाँ एक गार्ड 24 घंटे तैनात रहता है, तुम्हें उसे हटाकर सिक्योरिटी सिस्टम बंद करना होगा। चलो भाई, अब किसकी बारी है? पैराबनेरा क्लवाटा। जानता हूँ, बुलेट चीटियां है ना, जिनका काटा पानी नहीं मांगता। कैसे हो? यहाँ तो बेडरूम में मिला था। येलो जैकेट वाला कमरा एयरटाइट है और अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक ट्यूब से है जिसकी गोलाई अंदाजन 5 मिलीमीटर होगी। तुम मुझे बता रही हो कि डराने का काम कर रही है? ट्यूब एक लेजर ग्रिड से सुरक्षित है और उसकी पावर हम सिर्फ 15 सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं। तुम्हें उन क्रेजी चीटियों को संकेत देना होगा कि वो सर्वर उड़ा के सूट ले आए और पावर वापस आने से पहले उन्हें बाहर निकलना होगा। कैंप नोटिस पेंसिल वैनिटीज, जिन्हें कार्पेंटर चीटी भी कहा जाता है, जमीनी और हवाई यातायात के लिए सबसे अच्छी। अरे ये तो वही है जिसने मुझे जेल से उड़ाया था। मैं इसे एंथनी बुलाऊंगा। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा नाम है। इस बार तुम्हें सीखना ही पड़ेगा कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। इन्हें चाय की कप में चीनी डालने को कहो। बच्ची को रोना आ रहा है। निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए बुला रहे हैं। सूट में कोई हथियार नहीं है, इसलिए मैंने डिस्क बनाई है। रेड छोटा बनाती है, ब्लू बड़ा। अपने डंक के लिए मशहूर ये फाइव चींटियां विकसित होकर कमाल की कारीगर बन गई हैं। हर मुश्किल जगह पर वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तुम ये कर सकती हो स्कॉट, कमाल। ये मेरी बात नहीं सुन रही। पूरे दिलो दिमाग से ध्यान लगाना पड़ेगा। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। इन हालात में किसी की बेइज्जती करने का कोई फायदा नहीं है। होप, बच्चों को चलना सिखाने का वक्त नहीं है। हमें स्कॉट की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, उस पर होना चाहिए हमारा ध्यान। समझ नहीं आ रहा मैं आपके पास क्यों लौट कर आई। हम ये उसके बिना नहीं कर सकते। ओह गॉड, गाड़ी के दरवाजे बंद रखा करो। मतलब सच में, मेरे अलावा कोई और आके गाड़ी में बैठ गया तो। तुम्हें ये मजाक लगता है? जानते हो तुम्हें कैसा जोखिम उठाने को कह रहे हैं? तुम्हारी एक बेटी है। ये मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। जब मेरी माँ गुजरी थी, मैंने इन्हें 2 हफ्तों तक नहीं देखा। होप, वो सदमे में थे। मैं भी थी और मैं 7 साल की थी, फिर भी वो कभी लौट कर नहीं आई। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मुझे लगा इतना कुछ होने के बाद शायद हमारे बीच दोबारा रिश्ता जोड़ने का एक मौका था, पर वो अब भी मुझसे दूर भागते हैं। वो तुमसे दूर नहीं भाग रहे, तुम पर भरोसा करते। तो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। होप, देखो मुझे, मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अब तक तुम ये समझ गई होगी, मेरा मतलब इसीलिए मैं सूट में हूँ और तुम नहीं। उन्हें ये लड़ाई हारना मंजूर है, पर तुम्हें खोना नहीं। काश तुम समझते। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी एक बेटी है जब मैंने तुम्हें गिरफ्तार करवाया। नाम क्या है? कैसी? प्यारा नाम है। तुम्हें अपने दिमाग से सारे ख्याल निकालने होंगे, पूरा ध्यान एक ही जगह केंद्रित करना होगा। कैसे?
के बारे में सोचो, सोचो तुम उसे मिलने को कितने बेताब हो, और यही सोच तुम्हें ध्यान लगाने में मदद करेगी। अपनी आंखें खोलो और सोचो कि तुम चीटियों से क्या करवाना चाहते हो। तुम्हारी मां ने मुझे मना लिया कि मैं उसे अपने साथ मिशन पर ले जाऊं। वो उसे वास्प कहते थे, वो उस काम में माहिर थी। और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे अपने उस फैसले का अफसोस ना होता हो। सन 1987 में अलगाववादियों ने काक्स में एक रूसी मिसाइल साइलो चुरा लिया था और अमेरिका पर एक परमाणु मिसाइल छोड़ा था। मिसाइल के भीतरी तंत्र में जाने का रास्ता सिर्फ सॉलिड टाइटेनियम से था। मैं जानता था कि मिसाइल को बेकार करने के लिए मुझे छोटा होकर अणुओं के बीच जाना होगा, पर मेरा रेगुलेटर काफी खराब हो चुका था। तुम्हारी मां एक सेकंड के लिए भी नहीं जीसकी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें इससे दूर रखना चाहता था। मैं तुम्हारी मां को खो चुका था, पर तुम्हें खोना मुझे गवारा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। क्या बात है, दिल छू लिया। सच में आप लोग अपने बीच के फासलों को दूर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं कबाब में हड्डी बन गया ना? हाँ, से होता है। लगता है दूध उबल गया है। निकल गया। शाबाश मेरे शेर। चरण एक खुफिया घुसपैठ होगी। मेरी कुर्सी जम गई है, आप सूट में गरम अस्तर नहीं लगा सकते थे। तुम्हें इस खास संकेत यंत्र को बड़ी चालाकी से चुराना होगा जिसे मैंने शील्ड के दिनों में ईजाद किया था। हमें ये ट्रांसमिशन ब्लॉकर्स को रोकने के लिए चाहिए जो डैरन ने फ्यूचर्स की तिजोरी पर लगाई थी। फिलहाल ये हॉवर्ड स्टार्क के न्यूयॉर्क के किसी गोदाम में धूल खा रही है, उसे चुराना तो बच्चों का खेल है। तुम मैदान जंग में पहुंच चुके हो, अब अपनी फौज को भेजो स्कॉट। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, इस बार मुझे गिराना मत प्लीज। अरे चीटियों से चीनी उठवा नहीं पाता, जंग कैसे लड़वाऊंगा? शांत रहो। शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आपने कहा था कि ये बच्चों का खेल होगा।
यहाँ तो बच्चों के बाप बैठे हैं। लगता है आपको अपनी चिट्ठियों से प्यार नहीं है। स्कॉट निकलो वहाँ से। वापस आओ, वापस आ जाओ। अब आया हूँ तो कुछ तो लूट के जाऊंगा। वैसे लगता नहीं घर पे कोई है। एंथनी मुझे छत पर लेकर चलो। वो सूट खो बैठेगा, वो अपनी जान खो बैठेगा। ठीक है, मैं बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। वहाँ कोई है स्कॉट? वहाँ क्या हो रहा सैम? ये तो फैल्कन है। कहीं कुछ हलचल हो रही है पर मुझे कोई दिख नहीं रहा। एक सेकेंड। वापस आओ स्कॉट, निकलो वहाँ से। ठंड रख मामू, वो मुझे दिख नहीं सकता। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वो मुझे देख सकता है। हाय, मैं हूँ स्कॉट। क्या उसने कहा हाय? मैं हूँ स्कॉट। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। फैल्कन खुश हुआ। और तुम हो कौन? मैं एंटमैन हूँ। एंटमैन? क्यों, मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हो ना। हाँ तो चीटियों के सरदार, यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक खास टेक्नोलॉजी उठाने आया था मैं, कुछ दिन के लिए वापस लौटा दूंगा। वो दरअसल दुनिया बचानी है ना, तुम तो जानते हो। हाँ, हमसे बेहतर और कौन जानता है। कुछ बैठिया मिल गया है, उसे लेकर आ रहा हूँ। कितनी क्या जल्दी है? आखिर कर क्या रहा है स्कॉट? कुछ बैठिया एक आदमी है जिसके पास छोटा बनने की कोई टेक्नोलॉजी है। को इस बात का कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक था। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। क्या बात है? बहुत अच्छे। और ये क्या सुन रहा हूँ, आपने मेरी तारीफ की क्या? ऐसा हो रहा है ना? सुनकर तो ऐसा ही लगा। मैंने बढ़िया काम किया ना? और मैं जो एक एवेंजर से लड़कर भी मरा नहीं, उसका क्या? बात कर ली अपनी तारीफ तुमने, आगे की प्लानिंग कर ले। उन पर ध्यान मत दो, इतनी भी टफर नहीं हो। अंदर कैसे आ गए? आप दरवाजा बंद करना भूल गए थे हैंक। अब तो मान जाइए, बूढ़े हो गए आप। वो प्लान्स, वो उन्हें मार डालेगा। तो यहां आने की तकलीफ कैसे की? मेरे पास एक अच्छी खबर है। अच्छा, और वो क्या है? बिमटेक, जिस कंपनी की शुरुआत आपने की थी, अब दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनने जा रही है। सिर्फ कल की बिक्री से हमें 15 अरब की उम्मीद है। यू वेलकम। यह अजीब जरूर लगेगा पर मैं चाहता हूं आप वहां रहकर मेरी कामयाबी को अपनी आंखों से देखें। जरूर डैरन, जरूर, मैं जरूर आऊंगा। मुझ में ऐसा क्या देखा? मैं
समझा नहीं। इतने सालों पहले आपने मुझे चुना, आपने ऐसा क्या देखा? आपने आपको देखा, फिर आपने मुझे दूर क्यों कर दिया? क्योंकि तुम में मैं कुछ ज्यादा ही नजर आने लगा था। वो सब कुछ जानता है, वो आपको फंसा रहा है, हमें ये सब रोकना होगा। अब ये नामुमकिन है। उसने मुझे देख लिया होता तो? नहीं देखा, सवाल ही नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? डैरन, हाय। हो, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। क्यों? मैं अभी अभी हैंक से मिला था, आज भी वो मुझसे नफरत ही करते हैं। आप उन पर ज्यादा ध्यान मत दें, वो बस सठिया गए हैं। हमें 24 घंटे काम करवाना होगा, जल्द से जल्द ज्यादा प्रोडक्ट बनाने होंगे, और मैं सिक्योरिटी टीम को नहीं बढ़ा रहा हूँ। अंदर आने के सभी रास्तों पर सेंसर्स और बाहर जाने वाली चिमनियों पर स्टील की बारीक जाली लगवा रहा हूँ। ग्रेट, बढ़िया आइडिया है। थैंक यू। मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी टीम में हो। वो सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया और वो आपके इरादे जानता है। पर तुम्हारे इरादे तो नहीं जानता। अंदर आने के सभी रास्तों पर वो फुल बॉडी स्कैनर लगवा रहा है और बाहर के रास्ते बंद करवा रहा है। हम स्कॉट को अंदर कैसे ले जाएंगे? पानी के पाइप के जरिए। उस पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं लगा सकता ना। माना पानी का प्रेशर तेज है, पर अगर उसे कोई कम कर दे तो मैं अंदर जा सकता हूँ। उसके लिए किसी को बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में पहुंचकर पानी का प्रेशर कम करना होगा। हैंक और मैं तो डैरन के पास होंगे, हम ये काम कैसे करेंगे? हमें बस अपनी टीम बढ़ानी होगी। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक नकली सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर से पानी का प्रेशर कम कर सके, दूसरा जो पावर सप्लाई को हैक करके लेजर बंद कर सके, और तीसरा जो गाड़ी भगा सके। नहीं 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 नहीं, वो 3 जमूरत तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। कॉफी के लिए शुक्रिया मैम जी। वैसे सब बहुत कमाल होता है कि जिनके घर पे चोरी करो उनके हाथों से कॉफी पियो, अभी तो जस्ट आपको लूटा है। तुम जानते हो ना ये कैसे पकड़ा गया था? एक जूस की मशीन चुराते हुए। मैम जी, 2 थी। तुम्हें लगता है इनसे ये काम होगा? टेंशन ना लो, आपके लिए जान हाजिर है। माफ कीजिएगा पर आप लोगों पर चाहते हुए भी भरोसा नहीं हो पा रहा। ये टाई वाले मामू, आराम से बैठने का और टेंशन नहीं लेने का, अपन अपना काम जानता है। तेरी साली शान झोपड़ी में पहले भी घुस चुके हैं। मैंने घुसने दिया था। अपन को चूरन देता है, अपन सुबह बाथरूम जाके आए। देखिए फिक्र मत कीजिए, ये लोग कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, बस इनकी आईडी कार्ड बनवा दो। ये पहले से ही सिस्टम है। मैं इसके सिस्टम में हूँ, अपने सिस्टम में, इसके सिस्टम में हूँ। हो गया कबाड़ा। ठीक है, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। जब तुम इस कोने में आओगे तो 3 ऑफिस होंगे, तुम्हारे लेफ्ट। आइला, ओए क्या बात है, तो बड़ा कूल है। दोस्तों ये थोड़ा अजीब लगेगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, पर ये बिल्कुल सेफ है, डर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ओए मैं तो पैदा हुआ था तब भी नहीं चिल्लाया था। पक्का? पक्का। गुड। हैंक ने इन्हें सूट के बारे में बताया और मैंने इन्हें नींद की गोली दे दी, तीनों फौरन सो गए। होप मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सब इसे किसी खास वजह से कर रहे हैं और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम इस काम में थोड़ा बहुत कामयाब हो जाओ। फिर भी थैंक यू, सच में हौसला अफजाई के लिए। सच कहूँ तो तुमसे नफरत करते करते मैं तुम्हें काफी पसंद करने लगी हूँ। हाँ वो तो होना ही था, मैं इतना हॉट हूँ। जाकर सो जाओ स्कॉट। चलो एक बार फिर से सब लोग ध्यान दो, सबको अपना काम याद है। डेव, 4 पहिया संभालूंगा। गुड। सिक्योरिटी तोड़ूंगा। लुईस, यार वैसे एक बात बता, मुझे वर्दी पहनने को तो मिलेगी ना, बड़ा शौक है यार वर्दी का। लुईस सॉरी यार, मैं समझ गया, बस जरा एक्साइटेड हूँ, और ऊपर से ये पटाखा कुड़ी कितनी हॉट है, मेरे तो तोते उड़ जाते हैं। आप बहुत खूबसूरत होते हैं। कोई लोग मैंने तो एक ट्रिक भी सोची कि जब मैं जासूस बन के जाऊंगा ना तो सीटी मारूंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा। नहीं कोई सीटी नहीं बजानी है, हम कोई डांस देखने नहीं जा रहे हैं, कोई सीटी नहीं बजाएगा।
सेक्टर 1 सुरक्षित है। बाहर आओ। सब ठीक है। अपने तो तैयार। चलो दुआ करना। शुरू हो गया। ए, यहां क्या कर रहे हो? जी वो बॉस ने मुझे यहां नजर रखने को कहा था, इसलिए मैं वॉचिंग। जी मैं ही बॉस। अच्छा। 1.3 का प्रेशर कम हो रहा है। बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है कि नहीं? मुझे दिख गया। छोटा भाई बिल्डिंग में आ गया है। वो रेम गाड़ी से आ रहे। रेम का पक्का है? आप बाहर ग्राउंड में गाड़ी खड़े लिए। अब क्या लोचा लापसी है? खुफिया पुलिस ऐसी गाड़ी चलाती है। आज पुलिस एंड में आने की बजाय पहले आ गई, समझ? वाट लगे पपलू। ओके मैं। ये तो लंबा जाएगा। मैं बुलेट चीटियों को भेज रहा हूँ। पैप जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर इस आदमी पर तरह जरूर आ रहा है। देखने मिला है। वो देखा मेरे से पंगा लेना कितना महंगा पड़ा। बड़े बड़े कामों में ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो आती आती है जी। सिग्नल का भूल भुलैया शुरू और टाकड़ी एकदम काम नीचे स्कॉट पाए। भीम को तो गेट पे रोक दिया। स्कॉट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? ये प्लान में नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर मैं इस बिल्डिंग में नहीं गया तो लोग मारे जाएंगे। आप कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर रहे? क्या मजाक है ये? प्रॉब्लम खत्म। कैसा लग रहा हूं मैं? क्या बात है, बिल्कुल वक्त पे। आइए। ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा डर? सुरक्षा जितनी भी हो कम है। वाकई मानना पड़ेगा डेरेन, तुमने सचमुच कर देखा है। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा है। फुल स्पीड में फट पड़ा।
ठीक है दोस्तों, मैंने पोजीशन ले ली है, मैं चीटियों को सिग्नल दूंगा। नहीं 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 नहीं, हट, मामू उल्लू बन गया। चलो पोजीशन ले लो, चलो मेरे शेरों, इन सर्वर्स को बर्बाद कर दें। साथियों को आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बहुत खूब, मिस्टर कार्सन ने मुझे इन महाशयों से मिलवाया था। ये हाइड्रा के प्रतिनिधि हैं। अब ये वो नहीं जो हुआ करते थे, ये लोग काफी दिलचस्प काम कर रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आपने मुझसे जो टेक्नोलॉजी छिपाने की कोशिश की थी, अब वही आप पर भारी पड़ेगी। वाओ वाओ, इस वार का मुझे अंदाजा हो गया था, पर मुझे लगा ये काफी मरियल और बेजान सा होगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, गाड़ी जानी पहचानी है। अंदर कोई है? ठीक है दोस्तों, मैं तैयार हूं, मैं स्कूटर लगा रहा छिपा रखा है, इसलिए सवाल ये उठता है कि नया एंटमैन कौन होगा, वो कौन है जिस पर मेरे प्यारे उस्ताद ने मुझसे ज्यादा भरोसा किया। स्कॉट लैंग, एक शहीद जिसने विस्टा कॉर्पोरेशन को चुनौती दी और उसकी कीमत चुकाई, इसके चलते अपना परिवार, अपनी इकलौती बेटी को खो बैठा। इसकी और आपकी कहानी तो एक जैसी है हैंक। वो जेल की काल कोठरी से बिना कोई सुराग छोड़े भाग जाता है और फिर जादू से गायब भी हो जाता है। इसके बावजूद कि उसके नाम एक फूटी कौड़ी नहीं थी, और अब वो मुझे एंटमैन का सूट ला देता है। वो आविष्कार जो मेरे आविष्कार को चुनौती दे सकता है। डैरन, ऐसा मत करो, अगर तुमने इसे लोगों को बेच दिया तो कयामत आ जाएगी। मैं बेच चुका हूँ, और वो भी दुगने दामों पर, आपकी बदौलत। अवेंजर्स के गढ़ में घुस पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है मिस्टर हैंक। शुक्र है बातें बड़ी तेजी से फैलती हैं। मैं उन्हें येलो जैकेट बेच दूंगा, पर पार्टिकल अपने पास ही रखूंगा। मेरा सूट डीजल से नहीं चलता, अगर इसे चलाना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। आप उस एक अकेले आदमी को क्या नाम देंगे जो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार चला सकता है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, मुझ पर नाज है ना? तुम ये सब रोक सकते हो डैरन, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बिगड़ने के लिए अब बचा ही क्या है डॉक्टर पिम? डैरन, ये क्या कर रहे हो? मेरा तो छोड़ो, इन्होंने बेटी होने के नाते तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखा। ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारी
असर हो रहा है। रुको, तुम ठीक कह रही हो, यह काम मुझे ही करना होगा। अब आएगा मजा। पत्नी, बंदूक नीचे करो। उस रात मैं इन्हें मारने के इरादे से ही घर आया था, पर तुम वहां मौजूद थी। होश खो बैठे हो, पर मैं मदद कर सकती हूँ। बंदूक नीचे करो। पर तब मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था, पर अब तुम्हें जरूर मार दूंगा। फौरन अपनी बंदूक नीचे करो। तुमने गलत आदमी का साथ दिया हो। क्या गाड़ी से बाहर निकलो? और दूर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा।
तुम्हें क्या लगा तुम भविष्य को एक डकैती से रोक लोगे? सिर्फ डकैती तो ये कभी थी ही नहीं। जिसे हमें खत्म करना होगा वहां कीड़े मारने वाली मशीन में। मुंह बंद करो और चुपचाप बैठे रहो। बहुत झेलिया तुम्हें। सारे यूनिट्स 840 विंटर स्ट्रीट पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। कैसे? छुपी खेलनी है। ओ तो यहां हो। मैं अकेला नहीं हूं।
हथियार को हमारी जरूरत है, कोई हमें रोक नहीं सकता। पिछले भाई जल्दी पिछले, पिछले भाई पिछले पिछले, आजू बाजू मत देख, हमारा छोड़ देख, पिछले ले भाई पिछले 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 ले रहा हूँ ना पिछले। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हारा इस दुनिया में होना ही मेरे लिए बेइज्जती है। अगर तुम बड़े होते तो तुम्हें मारना और आसान होता। हाँ इसीलिए तो मैं एंटमैन हूँ। वापस आओ डैडी। उस रेगुलेटर को मत लगाना, बच्चे ठीक तो है ना?
टॉप सीक्रेट। मम्मी। ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। स्कॉट प्लीज, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? कुछ याद नहीं सच, तुम्हें कुछ तो याद होगा। खैर, लगता है इंसानी दिमाग इस एहसास को कभी समझ ही नहीं पाएगा स्कॉट, पर तुमने कर दिखाया। तुम अंदर गए और बाहर भी आ गए, कमाल हो गया। स्कॉट, तुम्हें बाहर छोड़ाती हूँ, आप आराम कीजिए। ये सब कब हुआ? कुछ नहीं हुआ है। वो रुको जरा, कुछ कुछ हो तो रहा है। अगर कुछ कुछ हो रहा है तो मुझे गोली मार देना। हाँ, पता नहीं तुम क्या सोच रही थी, मुझे पकड़कर ऐसी किस कर लिया। मैं खुद हैरान हूँ। देखो, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। कितनी गलत बात है हो। स्कॉट। जी सर। तुम एक नंबर के झूठे हो। बिल्कुल सर। स्कॉट, आज मैं अपने कैप्टन से मिला था, उन्हें उस रात की रिपोर्ट चाहिए थी जब तुम फरार हुए थे। मैंने कह दिया कैमरे में खराबी आ गई थी, शॉर्ट सर्किट हो गया था और तुम बाकायदा जेल से रिहा किए गए थे। सच में? हाँ बिल्कुल। अब तकनीकी खराबी की वजह से कैसे के डैड को वापस जेल तो नहीं भेज सकते ना? थैंक यू पैक्सटन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे के लिए तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। अरे नहीं, इसमें मुझे खुशी मिलती है, पर इस बार ये मैंने तुम्हारे लिए किया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ। कभी ये सुनने के बाद हम बात भी क्या करें? मैं बताती हूँ। क्या? क्या आज मैंने पहली गुलाठी मारी? क्या? हाँ, ये एक हफ्ते से लगातार प्रैक्टिस कर रही थी और आज ये सीख ही गई। मैंने इसे अपने फोन पे रिकॉर्ड किया। अच्छा, नहीं ये कैसी नहीं हो सकती। वही है। हाँ, ये तो कोई प्रोफेशनल जिम्नास्ट लग रही है, ये कैसी हो ही नहीं सकती। वही है। गुड बॉय स्वीटी, तुमने तो तुमने कमाल की गुलाठी मारी पीनट। सॉरी, ऑफिस से है। हाँ। अब यार, ट्रेलर देखा? पूरी पिक्चर नहीं देखी। ओए ना जी ना, उतना टाइम भी नहीं है। गहरी सांस ले, फोकस। हाँ चल अब। हाँ जी, काम की बात करूंगा। कहा था मैं? हाँ, मैं आर्ट म्यूजियम में था, दूसरे चिचरे कथन इग्नेशियो के साथ। ओए वाह, यहाँ वहाँ पेंट ऐसे मार के रखे थे लाइनों में, यहाँ लाइन वहाँ लाइन, लेकिन बाद में पता चला वो इसे पेंटिंग के थे। उसमें से एक देखे मैं बोला वाओ। लुइस। ओए सॉरी यार, वो खुशी खुशी में हैप्पी हो गया और कुछ नहीं। इग्नेशियो मुझे बोला, यार बताया कल मुझे बार में एक सोनी सी कुड़ी मिली, एक पटाका पटाका जो धमाका कर दे। वो बार वेटर से बोला, यार ये सोनी कुड़ी कौन है, तेरा सेटिंग करा देना तू उसके साथ। वही तो बार वेटर बोला, हाँ हाँ, पर मैं अभी तो कब खेला इनमें हूँ। फिर राइटर कुड़ी इग्नेशियो से मिलते ही बोली, वही मैं जोरदार खबर छापने में उस्ताद हूँ और मेरी बड़े बड़े लोगों के साथ उठक बैठक है, समझ में आया? समझाऊं? चचरा बोला, वाकई तो कुड़ी बोली। हाँ, पर मैं तुम्हें अपनी खबरी गौरव नहीं बताऊंगी, हाँ, क्योंकि वो एवेंजर्स का आदमी है। अरे यार। हाँ, और ये बंदा बड़ा ही शाना बदमाश लगता है यार। कुड़ी के पास जाके बोला, ओए मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मार्केट में नया आया है, जो बड़ा जल्दबाज है और बड़ी शातिर चाले चलता है, तुम किसी को जानती हो क्या? तो पटाका बोली, देखो हमारे पास तो बहुत सी वैरायटी है, एक जो कूदता है, एक जो झूलता है, एक जो दीवार ऊपर चढ़ता है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुम बताओ। मुझे वो चाहिए जो छोटा बनता है। ओए दिमाग लिया, माँ कसम अगर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी पता चल गया तो। इसलिए मैंने चचेरे से पूछा, ओए क्या उस शाड़ी बंदे ने सोनी पटाका कुड़ी से कहा था कि तुम मुझसे कहो कि वो उसे ढूंढ रहा है क्योंकि मैं एंटमैन का क्लोज हूँ खासम खास? तो उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ।
एहसास हुआ कि हम ताकत को मिटा नहीं सकते, बस इतना देख सकते हैं कि वो सही हाथों में रहे। ये एक एडवांस नमूना है जिस पर मैंने और तुम्हारी मां ने मिलकर काम किया था। उसे यह इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, पर अब मुझे समझ में आया कि हम दोनों तुम्हारे लिए इस पर काम कर रहे थे। अब वक्त आ गया है कि इसे पूरा किया जाए। Thank you.
है कैप्टन। एक हफ्ते पहले यह काम बहुत आसान होता, अगर अब टोनी को बुला वो हमें यकीन नहीं करेगा। अगर घर भी ले जा, बताओ उसे मदद करने की इजाजत है भी या नहीं। हमारे साथ कोई नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, एक शख्स है। एंटमैन जल्द ही लौट आएगा।